नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। अभी हम हैं जैसलमेर में और यहाँ पे है जैसलमेर में वॉर म्यूज़ियम। वॉर म्यूज़ियम में बहुत सारा चीज़ें रखी गई हैं, लोंगेवाला वॉर की चीज़ें रखी गई हैं, पाकिस्तानी टैंक भी रखे गए हैं। देखिए पीछे की तरफ पाकिस्तानी टैंक भी दिखाई दे रहे हैं और भारतीय सेना का इतिहास भी दिखाया गया है। एक छोटी सी वीडियो भी दिखाई गई है जहाँ पे आप देखेंगे वीडियो तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप जैसलमेर आते हैं, जैसलमेर से 14-15 किलोमीटर ही है जोधपुर रोड पे, आप ज़रूर आइए और आकर इसे देखिए, मज़ा ज़रूर लीजिए। अगर आप लोंगेवाला नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा दूर पड़ जाता है कई लोगों को, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ज़रूर आइए और आके यहाँ पे देखिए, देख के पूरा मज़ा लीजिए, आपको मज़ा आएगा। भारतीय सेना का इतिहास जानने का मौका मिलेगा और आपके अंदर थोड़ी देशभक्ति की भावना, भारतीय सेना जो बलिदान देती है, जो कुर्बानी करती है, आपको वो भी पता चलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अभी जैसलमेर वॉर मेमोरियल में हैं। यहाँ पे जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की 1971 की, वहाँ के जो रिकवरी किए हुए कुछ टैंक, कुछ पाकिस्तान के जो भी हथियार और व्हीकल थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी भारतीय सेना जो भी अपने हथियार इस्तेमाल करती है, अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। आप हमारी पूरी वीडियो में देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं वीडियो पे। बहुत ज्यादा यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, हमने बहुत। ये दोस्तों एक आर्मी रिकवरी व्हीकल है पाकिस्तान का जो 71 की वॉर में, आप हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, रिकवर किया गया, देखिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप एक ये दोस्तों हंटर प्लेन है, वही जो 71 की वॉर में, अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी तो जैकी श्रॉफ जिसे रात को नहीं उड़ा पाते हैं और दिन में फिर अर्ली मॉर्निंग से लेके उड़ते हैं, वही प्लेन है। ये एक व्हीकल है जो एक मोबाइल रडार यूनिट होती है, P-15 नाम होता है उसका, ये वही है यूनिट। और ये एक हम्बर आर्म्ड कार है जिसके अंदर अब छोटी सी, आप देख रहे हैं ना ऊपर, दो चार आदमी बैठ सकते हैं और ये छोटी गोलियां या छोटे तोप की गोले ना, इस तरह की चीज़ें चला सकती है। आगे है T-55 टैंक का एक मॉडल है, ये टैंक T-55। ये सारे वो टैंक हैं जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। और एक टोपैज है, APC टोपैज। ये APC टोपैज ऐसी है जिसमें 6-7 आदमी बैठकर, 8 आदमी बैठकर इसके अंदर आराम से आगे चले जाते हैं और दुश्मन का जो एरिया होता है, 20 जवान इसमें बैठ जाते हैं, दुश्मन का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं उनकी गोली बारूद और बम से बचते हुए। वो उल्टा है, उधर से उल्टा है दोस्तों। हॉल है लोंगेवाला हॉल, 1971 वॉर की जो लड़ाई हुई है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे होंगी। दोस्तों इस वॉल में दिखाया गया है कि जो ईस्टर्न सेक्टर था 1971 की लड़ाई में, वहाँ पे कौन कौन से फ्रंट खोले गए थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व हुए थे। इस वॉल में दिखाया गया है कि जो गैलेंट्री अवार्डीज थे उनके बारे में कुछ फोटो हैं 1971 की लड़ाई की उससे संबंधित। और देखिए साथ में कुछ स्टैच्यू भी लगे हुए हैं ना, ये भारतीय सेना की जो पोशाकें हैं उनको भी दर्शाते हैं कि किस किस तरह की पोशाक है। ये पोखरण से फोटो है, ये 1971 की ही कुछ लोंगेवाला जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ की कुछ फोटोग्राफ हैं। और ये लोंगेवाला का एक चित्र बनाया गया है कि किसी पेंटर के द्वारा कि जब लड़ाई हुई थी लोंगेवाला की 4 और 5 दिसंबर की रात। ये देखिए यहाँ पे कुछ हथियार हैं जिसमें से जो मोटार है, आरसीएल गन है, LMG है जो आप सामने अपने देख रहे हैं, LMG है ये, LMG और लाइट मशीन गन जिसे बोलते हैं, ये भी LMG MMG है, LMG है। और ये देखिए कंपास है, तो इस तरह काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, आप बिल्कुल जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको देख कर। ये 71 की वॉर की चीज़ें दिखाई गई हैं। ये ऊपर हैं लेफ्टिनेंट भवानी सिंह, महावीर चक्र मिल रहा है, और मेजर कुलदीप सिंह छानपुड़िया,
दोस्तों मेजर कुलदीप सिंह छानपुरिया वही हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने जिनका रोल किया है, वही हैं मेजर कुलदीप सिंह छानपुरिया जिन्हें 1978 की लड़ाई में महावीर चक्र भी मिला था। नहीं नहीं ये इतना एरिया जो है हाँ वैसी हाँ बिल्कुल हो रही हाँ वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा सा स्टैचू बना हुआ है शहीदों के लिए और इसमें चारों तरफ नाम लिखे हुए हैं जो जैसलमेर में शहीद हुए हैं, महावीर चक्र वाले हैं, राजस्थान के जो शहीद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और कुछ जगह खाली भी हैं, शायद जो भी आगे शहीद होता है उनका भी नाम आगे लिख दिया जाएगा ऐसा भी कुछ है। ये एक सेक्शन है देखिए जैसलमेर का और गैलेंट्री बॉडीज जो हैं जैसलमेर के उनके बारे में डिटेल है और ये महावीर चक्र जितने अभी तक लोगों को मिला है शायद ये राजस्थान के होंगे या पूरे तो नहीं है, ज़्यादा ही मिला है लोगों को और ये जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम है, अशोक चक्र जितने भी होंगे संभवतः उन्हीं के नाम होंगे। दोस्तों यहाँ फाउंडेशन जो है 2019 में इनॉग्रेट किया गया था और उधर स्थल जो है इसका श्रद्धांजलि स्थल इसका 2018 में फाउंडेशन रखा गया। दोस्तों ये बीच में एक स्टैच्यू भी है जहाँ राजस्थान के जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनका एक उनकी मूर्तियाँ भी लगी हैं। अब हम चलते हैं जैसे ये मेजर शैतान सिंह ये जोधपुर के थे, जगन्नाथ सिंह जी तो शाहजहाँपुर के थे यूपी। मॉडल बना हुआ है यहाँ पे बंकर का भी कि लोग कैसे बंकर में रहते हैं, ये देखिए मतलब जवान हमारे कैसे बंकर में रहते हैं और कैसे दुश्मनों का सामना करते हैं। लोंगेवाला के समय भी कुछ ऐसे ही बंकर बनाए गए थे, बस आगे सीमेंटेड का नहीं था, वो पत्थर और बोरियां लगा के बनाए गए थे। चलते हैं हम अभी बंकर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि बंकर कैसा होता है अंदर से जो मॉडल बनाया गया है यहाँ पे। हम अभी आ गए हैं बंकर के अंदर और यहाँ से कैसा दिखता है बाहर, और देखिए रिनू ने जय हिंद भी रेत पर लिखा है। दोस्तों आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत करी है हमने इस वीडियो के लिए। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये बाहर से मेन गेट है फॉर म्यूजियम का।